नौजवानों, जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंका पे विजय पा करके और अयोध्या नगरी में जब वापस हुए हैं, रामचंद्र जी का राज तिलक हुआ है, इधर राम राज्य के किस प्रकार से ठाट हैं बंधुओं सुनिए। जीती लंका राम ने और गए अवध में आए, राज तिलक हर को भयो सुर फूल रहे बरसाए। राम राज के काम सुंदर और संतन के हैं ठाट, गाय सिंह दो जल पिए सो मिल के एक ही घाट। आज मेरे नौजवानों, राम राज में बड़ा ही सुंदर राज चल रहा है, और क्या हुआ है? अरे प्रगटे रघुवंश अंशधारी, अरे प्रगटे रघुवंश अंशधारी, हुआ है बंदो? इधर भगवान का राज बड़े ही अच्छे ढंग से और बड़े प्रेम से गुजर रहा है। अयोध्यापुरी में भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने गुप्तचर भेजे हैं और कहा है, भैया आओ जाइए, हमारे राज्य में किसी प्रकार की अशांति ना होनी चाहिए, और वातावरण को देखिए कैसे कैसे गुजर रहा है। तो क्या हुआ है भैया? सब प्रेम से प्रजा रहे और राम के गुण गा रहे, चौकिन पे चौकीदार ही और संतरी गश्त लगा रहे। एक गुप्तचर जब आगे अयोध्या पुरी में जब घुसा है, रात्रि के 12 बज रहे हैं, और एक क्या देखता है? धोबी कहे निज नारते तेन देर इतनी कहां करी, दो उनको झगड़ो लखी रहो छुप के खड़ो एक संतरी। आज मेरे नौजवानों, धोबी और धोबिन में झगड़ा हो रहा है, वो किस बात पर? धोबी क्या कहने लगा है? अरे धोबिन से देने लगो गारी, आज बंदो गुप्तचर उस झगड़े को लख रहे हैं, और धोबी किस प्रकार से कहने लगा अपनी धोबिन से भाप करके, अरे पकड़ के हाथो नारी को, अरे पकड़ के हाथो नारी को घर में तेरा है रे निकारी, बाहर ले आया घर से, और क्या कहने लगा है? तेरी बेहा एक बात बता दे, तूने इतनी देर कहां करी, रात्रि के 12 बज रहे हैं, और कहां से आई है? अरे पकड़ के हाथ नारी को घर में तेरा रे निकारे। किस प्रकार से कह रहे बंधुओं? अरे चढ़ाई करे लंका पे, ए चढ़ाई करे लंका पे सीता है लायो रेली भाई,
लगा है। अरे बेहा मुझे राम मती समझे, वो राम है जो के दशकंदर को मार के और सीता अपना ली उसने, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। सुन आज बंधु इस प्रकार से जो वचन सुने हैं, जो गुप्तचर वो देख रहे हैं इस दृश्य को, आज घबरा जाते हैं। अरे संतरी सुनत बंधे ना धीरे, वो संतरी सुनत बंधे ना धीरे, पहुंच गए जहां बैठे रघुवीर। आज मेरे नौजवानों, जहां भगवान श्री रामचंद्र जी बैठे थे, वो गुप्तचर फौरनी इस दृश्य को लग करके भगवान के पास पहुंच जाते हैं। भगवान कहने लगे, कहो क्या खबर लाए हो? उस समय क्या बोले हैं? हाथ जोड़ी विनती करूं सुनो श्री महाराज, अरे जनता बिगड़ी अवध की सो सुन पाई आज। क्या कहा? हाँ महाराज, आपकी अयोध्यापुरी की जनता बिल्कुल बिगड़ चुकी है। क्यों? कि सुनो मैंने क्या देखा है और मैं आपको बता रहा हूं, मुझसे कहा भी नहीं जाता है। कारण क्या है? सुनो महाराज। तो क्या बता रहे बंधु? अरे दो कर जोड़ू हाथ संतरी कहने लग्यो बानी, अरे दो कर जोड़ू हाथ संतरी कहने लगो बानी, कहता कहीं ना जाए धरा किराओ नैनन ते पानी। और क्या? अरे राम जाने कैसी अब होगी भगवान, हो राम जाने कैसी अब होगी, देखी बात मारे रहो धोबिन को धोबी, मेरी आँख ने देखी बात मारे रहो धोबिन को धोबी। आज कहने लगे हे प्रभु, मेरी आंखों देखी बात है, धोबी अपनी स्त्री को मार रहा और क्या कह रहा है? अरे लागे रहो हाथ जाके लट्ठा, अरे हाथ जाके लागे रहो लट्ठा, अरे लेसिया को नाम तुम्हारो करे रहो बोठट्टा, अरे लेकसिया को नाम तुम्हारो करे रहो बोठट्टा। भगवान बार बार सीता के नाम को लेकर के और अपने धोबिन से कहता है कि बेहा, अरे कहे जय शरम नहीं आई भगवान, अरे कहे जय शरम नहीं आई, और दशकंदर ने सीता राखी नीनी अपनाई, सीता का हरण कर लिया, वो दशकंदर को मार के सीता को ले आए और अपने अंग में उन्होंने अपना ली, मैं राम नहीं हूं। और क्या बंधुओं? अरे काट लो ना कतरे काने, सुनती है? अरे काट लो ना कतरे काने, सब जगत एक सो ना है राम सो मोए मती जाने, सब जगत एक सोना है राम सो मोए मती जाने। आज मेरे नौजवानों, जो ही इतने शब्द सुने हैं, हुआ क्या है? अरे प्रभु की लीला अपरंपार,
आज जो ही इतने शब्द सुने हैं मेरे नौजवानों, भगवान नीचे को गर्दन कर लेते हैं, सोचने लगे हे विदाता ये क्या हुआ, आज ये कैसा सुकुन कह डाला। अरे मैं राजा हूं और मैं ये क्या सुन रहा हूं, आज बंदो हुआ क्या है। ए सुन मंत्री के बैन पर होना चैन रहे सकुचारी, अरे सीताए लगायो दोष राम मोर जाई। और क्या, अरे ओले राम के हो ससिया मेरा दोष, सुनो मेरे भाई सुनो मेरे भाई, नेमी चने ऐसे कहे रे धारा भगवान सोच रहे हैं, आंखों में आंसू भर लाए हैं, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, सोच समझ करके आज भगवान ने और क्या मता कमाया और क्या हुआ है। निर्दोष सीता है मगर विध की लिखी तकदीर है, निज भवनों में जाई कर सीता सो कहे रघुवीर की। आज भवन में पहुंचे हैं माता के पास और कहने लगे हैं सीता जी से, प्राण प्रिय अर्धांगिनी तुम्हारी बड़ी तकदीर है, दर्शन मुनिन के फिर करो संग ले लक्ष्मण वीर है। हे प्राण प्रिय, अरे जब हम वनों के लिए गए थे तो तुम्हारी तपस्या अधूरी रह गई थी, क्यों कि तुम्हारा हरण हो चुका था, उस समय मुनन के दर्शन करने के लिए गए थे लेकिन तुमने दर्शन नहीं कर पाए। जाओ मैं आशीष देता हूँ, आज्ञा देता हूँ, तुम लक्ष्मण को साथ ले जाओ और जंगल में जा करके मुनन के दर्शन करो। सीता जी नहीं समझ पाई मेरे नौजवानों आज भगवान कह रहे हैं और जो इतने वचन सुने हुआ क्या है। अरे सोने बच्चा न मगन भाई सिया प्यारी, अरे सोने बच्चा न मगन भाई सिया प्यारी, सोने बच्चा न मगन भाई सिया प्यारी, प्रगटे रघुवंश यंत्रधारी, मेरे नौजवानों भगवान इस प्रकार के शब्द कह करके और वहां से अपनी कचहरी में आ जाते हैं। और क्या हुआ है, अरे जाए कचहरी करी राम ने, हरे चरत भरती बुलवाए हैं भैया, और दो भैया बैठारी बगल में, फिर हरि ने वचन सुनाए गे, और क्या बोले हैं, हे भैया भरत, हे भैया शत्रुघ्न, सुनो हम क्या कह रहे हैं। हाँ भैया कहो क्या कहना चाहते हो। अरे रथ को लो सजवाई, अरे श्री गंगा से पार छोड़ी आओ यही अरज हमारी है। आज कहने लगे हैं हे भैया भरत, जाओ
सीता को ले जाओ रथ में बैठा करके और गंगा जी से पार छोड़ आओ। आज बंदो जो ही इतने वचन सुने हैं एकदम से चक्कर में पड़ गए भरत लाल, आंखों में आंसू भर लाए, बोले प्रभु अभी तो आप 14 वर्ष व्यतीत करके आए हो और माता जानकी को फिर दोबारा से बनो के लिए कैसे भेज रहे हो, क्या हुआ? अरे सुने राम के बेन और गए चन गिरे गस खाई, अरे मुख से ना निकलो बोलो तुम सुन लियो मेरे भाई। मुख से ना ने करो बोलो तुम सुन लो मेरे भाई, अरे सुन लो मेरे भाई रे तुम सुन लो मेरे भाई, मुख से ना ने करो बोलो तुम सुन लो मेरे भाई। क्यों ऐसा अनर्थ करो री घर दियो मुझे समझाई, अरे दियो मुझे समझाई बिरन मेरे दियो तुम समझाई, क्यों ऐसा अनर्थ करो रे दियो जी समझाई। आज कहने लगे हैं जो ही इतने वचन सुने हैं पृथ्वी पर गिर पड़े हैं और होश आया है, कहने लगे भैया ऐसा अनर्थ क्यों कर रहे हो, कारण क्या है, माता जानकी को दोबारा क्यों भेज रहे हो? भगवान कहने लगे भैया तुम नहीं जानते हो, सुनो। राम कहने जब रात सो है वेदना के अंक भैया, अरे जनक सुतारे भवन में सो भारी लगे कलंक, क्यों ऐसा कारण क्या है, माता के भवनों में रहने से कलंक क्यों लगेगा? भगवान कहने लगे सुनो। अरे लई प्रतिज्ञा ठाने आज मैंने, ले जाओ जनक के दुलारी है और श्री गंगा से पार छोड़ आओ ये ही अरज हमारी है। हमारी है श्री गंगा से पार छोड़ आए ही अरज हमारी है। और क्या बंधु, भगवान कहने लगे मैंने प्रतिज्ञा ठान ली है, क्या मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं करोगे आप? आज भरत जी रोने लगे हैं बंधु, अरे सुने रघुवर के बेन आज ने नन थे बरसे पानी भैया, अरे सुने रघुवर के बेन आज ने नन थे बरसे पानी, हाथ जोड़ के भरत लाल जी कहने लगे यो पानी। आज कहने लगे हैं हे प्रभु सुनो, तुमने प्रतिज्ञा ठान ली, हाँ ले जाओ जनक दुलारी को और गंगा से पार छोड़ आओ। आज हिलकी भर के रोने लगे हैं और क्या बोले हैं, अब भरत कहे कर जोरी करी क्या करनी, प्रभु हंस वंश की सो तारे माथ जग जननी। हाँ मेरे स्वामी जी
का मोह हमारे बस तो पातो नहाने मोटे कहे न कहीं ना जाए मेरे स्वामी जी काम बस को देखे पातो नहाने आज भरला जी कहने लगे हैं हे स्वामी ये हमारे बस का नहीं है हम माता जानकी को नहीं ले जा सकते क्यों अरे मेरी सिया धर्म की बेहतारी आज मेरे नौजवानों भगवान ने जान लिया कि ये मेरा काम नहीं कर सकते हैं लक्ष्मण की ओर देखा है और पास में बुला लिया क्या कहने लगे हैं फिर लखन लाल सो कहें प्रभु अविनाशी हे भैया लक्ष्मण सीताए लगायो दोसो अयोध्या देखी वासी वनवास हाँ मेरे भैया रे ओहो मेरे वीरन रे अरज हमारी तुम सुन लीजो तुम सीता ले जाओ संग मेरे भैया रे अरज हमारी तुम सुन लियो आज भगवान कहने लगे हैं हे भैया लक्ष्मण सुनो अब तो तुम ऐसा करो अयोध्या वासी और तेरी भाभी के लिए कलंक लगाते हैं कहते हैं कि दशकंदर ने इनको कुछ समय पास रखा है और हम अयोध्या में दशकंदर को मार के जब आए हैं तो सीता जी हमने अपना ली हैं और वो कहते हैं कि सीता दोषी है लेकिन बंधुओं जो ही इतने शब्द सुने हैं आज क्या हुआ है अरे मेरे भ्रात लखन आज्ञाकारी अरे मेरे भ्रात लखन आज्ञाकारी प्रगटे रघुवंश यंत्रधारी आज जो ही इतने वचन सुने हैं बंधु लक्ष्मण जी रोने लगे भैया ऐसे शब्द न कहिए और मैं भाभी को कैसे ले जाऊंगा क्यों अभी तो 14 वर्ष व्यतीत करके हम आ रहे हैं और दोबारा फिर भाभी के भेज रहे नहीं भैया सुनो फिर लखन लाल ने कही भ्रात कर जोड़ू जिसने ये रचना रची ताये नहीं छोड़ू भैया उच्चारो स्वामी तुम लीजे चाप चढ़ाए भैया तुम लीजे चाप चढ़ाए पान मेरी छाती में मारो तुम लीजे चाप चढ़ाए चढ़ाए
लगे हैं। इससे तो बेहतर यह है भैया तुम फौरन बाण चढ़ा लो, यह शब्द सुनने से पहले मेरे हृदय में बाण को मार दो, जिससे कि ये शब्द सुनने के लिए ना मिले। आज मेरे नौजवानों, भगवान भी आंखों में आंसू भर के अपने भैया को हृदय से लगा करके कहने लगे, भैया अरे सदा से मेरे आज्ञाकारी रहे हो कि आज नहीं ये करोगे काम। भैया मैं यही तो बचनों से और क्या बोले हैं, मेरे भ्रात लखन ब्रह्मचारी अब मत देर करो, भाई के बचनों को टाल नहीं सकते थे। और क्या हुआ बंधु, अरे रथ को हाँके चले लक्ष्मण जी गंगा तट पे आए, ए रथ को हाँके चले लक्ष्मण जी गंगा तट पे आए, अरे तुरंत ही उतरे खड़े भाई दोनों के वट सो बतराए, हमको दीजे पार उतारी अब मत दे जी। रथ को वहां करके और गंगा तट पे पहुंच जाते मेरे नौजवानों। गंगा तट पे पहुंचते ही दोनों रथ से नीचे उतर पड़े हैं, रथ उन्होंने इधर ही खड़ा कर दिया और केवट से कहने लगे, भैया केवट हमें गंगा से पार कर दो, आज नाव में दोनों को बैठा लिया है और नाव आगे को बढ़ा दिया, हुआ क्या है बंधु। अरे रथ जिन्हें छोड़ो उल्ली पारे, उतर गए गंगा जी ते पार, आज मेरे नौजवानों गंगा जी से पार हो जाते हैं और जो पैदल वहां से चले हैं, जंगल ही जंगल है, बहुत दूर निकल जाते हैं, लेकिन क्या दशा है। पैदल दोनों चल दई लखन लाल पछताई, व्याकुल यति सीता भई सुकेहन लगी समझाए, कहने लगी भैया कठिन भूमि पैदल कमल और क्या, धूप भारी पड़ रही दे दे के झाले लखन सो श्री जान की जी कह रही, कहने लगी देवर हजी देवर मेरी ओर तो देखिए, लक्ष्मण जी नीचे को गर्दन कर लेते हैं चले जा रहे हैं और क्या है। धीरे चलो देवर लखन, धीरे चलो देवर लखन, दिल प्यास से घबरात है विश्राम थोड़ो सो करो, अब पर चलो नहीं जात है, अब हमसे चला नहीं जाता है, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। और क्या हुआ बंधु, अरे नहीं लखे सिया तन ब्रह्मचारी, आज जो ही इतने बचस रहे हैं बंधु, लक्ष्मण जी रोने लगे हैं, अरे नहीं लखे सिया तन ब्रह्मचारी, तन ब्रह्मचारी प्रगटे रघुवंश अंश धारी, आज लक्ष्मण जी अपनी भाभी को कोई जवाब नहीं देते, मन ही मन रो रहे हैं, आंसू टपकाते चले जा रहे हैं, पीछे पीछे जानकी जी जा रही हैं मेरे नौजवानों। और क्या बोली है मेरे देवर, अरे
मेरे चलत में दुखी पाई हो पाई लक्ष्मण ने कधीरे धीरे चलो धीरे धीरे चलो और क्या अरे ओद के नीचे नालनी में हाँ ओद के नीचे नालनी में और झाड़ झूकटा काटनी में अरे झाड़ झूकटा काटने में बची बची के हाय बची बची के धरे रही पाई वो पाई लक्ष्मण ने धीरे धीरे चलो आज मेरे नौजवानों बहुत जोर से धूप कड़ाके की पड़ रही है और जंगल में चले जा रहे हैं कहने लगी है देवर ने कहा धीरे चलो मेरे पाम दुख रहे हैं और कहीं कांटे लग जाते हैं तो बच बच के पाम रख रही और क्या हुआ अरे पड़ रही धूप सिया गई आती अरे पड़ रही धूप सिया भई आती हाय लखन देवर मोए प्यास सताती लखन देवरा मोए प्यास सताती आए में रही हाय में रही बहुत बिलखाई बिलखाई लक्ष्मण कधीरे धीरे चलो भयानक जंगल है और अभी तक किसी महात्मा के मुझे दर्शन नहीं हुआ बहुत दूर निकल आए हैं अरे हाय लख लख से रसिया मन दहली यानी भयानक जीव और जंतु जब नजर आते हैं तो सिया घबराती है अरे लख लख से रसिया मन दहली हाय बन की गेल लखन नहीं पहली हाँ बनकी गेल लखन नहीं पहली अरे कोई संत मिलो हतो नाई लक्ष्मण का धीरे धीरे चलो अरे मेरे चलत में धूखे पाई वो पाई लक्ष्मण का धीरे धीरे चलो आज लक्ष्मण जी दुख भरे वचन सुनकर के और कहने लगे जग जननी मातेश्वरी बैठो तरवर छाओ अरे धीरज तुम मन में धरो मैं नीर लेन कू जाओ तुम थक गई हो इस ब्रज के नीचे बंधु बरगद का पेड़ था उस ब्रज के नीचे माता जानकी को ठहरा दिया है और लक्ष्मण जी से हम पानी लेने के लिए चले हैं देखिए भगवान की लीला हुआ क्या है जल लेने को तब चल दई सुंदर सरोवर पाए ही दोना बना बरपात का भर नीर वापिस लाए ही क्योंकि कोई तूमी वगैरह तो थी नहीं एक दोना बना लिया है बरगद के पात का और सरोवर में से नीर भर के वापस चले हैं तब तक क्या हुआ है पहुंचे बरी तन जाए के श्री जान की सोबत मिली कैसे जगाओ मात को मुरझाइए जैसे कली जब तक लक्ष्मण जी वापस आए हैं हारी थकी थी और हवा ठंडी चल रही थी
आंख लग जाती है, सो जाती हैं। आज मेरे नौजवानों, लक्ष्मण जी आ जाते हैं पानी लेकर के, लेकिन माता जानकी को जगा नहीं सके। सोच रहे भी तो सो गई, अब मैं किस प्रकार से जगाऊं, क्या हुआ है। अरे को जाने विधि की है न्यारी, आज मेरे नौजवानों हुआ क्या है। कहा करूं कित जाऊं मैं, दिल में बंधे ना धीर है, बचन टरे नहीं भ्राति को, नैनन से बरसे नीर है। आज लक्ष्मण जी रोने लगे हैं, माता जानकी की सूरत को निहार रहे हैं, और मैं कैसे अब छोड़ के जाऊं इन्हें अकेला, क्योंकि यदि मैं छोड़ के नहीं जाता हूं तो भैया का वचन भी टले, और भैया ने आज्ञा दी है कि जाओ जंगल में, न छोड़ के आना। आज माता जानकी को मैं कैसे छोड़ के जाऊं। हुआ क्या बंधुओं। अरे लक्ष्मण अन बोला भैया, अरे के लक्ष्मण अन बोला, दोना टांगी बरी से आए लक्ष्मण अन बोला, दोना टांगे बरी से आए भैया। आज मेरे बंधु सोच समझ के लक्ष्मण जी अपने पग का हिया करके वही दोना के, माना जो दोना है बरगद के, एक डार से टांग दिया है, और नीचे माता जानकी सो रही है, और मुख मोड़ के चलती है। हुआ क्या है। अरे के लक्ष्मण अन बोला, दोना टांगे बारी थे आए लक्ष्मण, बहुत तब कियो, अरे मन में ख्याल बहुत तब कियो, अरे छूके चरण लखन चली दियो भैया, अरे छूकर चरण लखन चली दियो, अरे दुखी है रयो चोला, अरे दुखी है रयो चोला, दोना टांगे बरी से आए लक्ष्मण अन बोला, दोना टांगे बरी से आए। आज बंधु लक्ष्मण जी मन ही मन प्रणाम करके माता जानकी के चरणों को छू करके और वहीं झाड़ी में छुप जाते हैं, आगे निकल जाते हैं, और क्या हुआ। अरे पीछे को जिया देखती जामे, और क्या, अरे पीछे को जिया देखती जामे, हाय लक्ष्मण जी दिल में दुखिया में, ए लक्ष्मण जी मन में दुखिया में, हाय भेद कछु नहीं खोला। लक्ष्मण जी यही सोच रहे थे कि माता जानकी को भी कुछ नहीं पता है, भगवान की लीला वही जाने, और मैं भी बता नहीं सकता कि तुम्हें वनवास दिया गया। वो तो ये समझ रही है कि मैं तो ऋषियों के दर्शनों के लिए वन में आई हूँ। हाय भेद कछु नहीं खोला, दोना टांगे बरी से आए लक्ष्मण अन बोला, दोना टांगे बरी से आए। आज मेरे नौजवानों दोना को टांग दिया है, और लक्ष्मण जी थोड़ी दूर जाकर के और झाड़ी में छुप जाते हैं, हिलकी बन जाती है, माता जानकी को देख देख कर रो रहे, इधर में जो बूंद टपकी है, और क्या हुआ है। सोवत से जागी सियाए तोत रही लखाए, पानी को दोना टंगो सो लखन दिखते नाय,
चारों ओर को देखा है, लक्ष्मण जी नजर नहीं आए, हाय देवर करके टेर रही हैं, लेकिन आवाज नहीं मिली है। ऊपर को निगाह हुई, दोना टंगा हुआ है। बोली, हे भगवान, मेरे देवर कहाँ गए? दिखे नहीं लक्ष्मण देवर, क्या भूल मुझसे है गई? कुछ भेद तुमने खोलो नहीं, क्यों मैं अकेली तज गई? हे देवर, कुछ भेद तो मुझे बता जाते, लेकिन आज मुझे जंगल में अकेली छोड़ करके तुम कहाँ चले गए? हाय विधाता, क्या करूं, दिल में बंधे ना धीर है। हाय लखन कित को गए, फूटी मेरी तकदीर है। आज माता जानकी बंदो रोने लगी हूँ, और क्या हुआ है? क्या हुआ है? इतने रोवे जनक सुता, बहुत गई कुमलाई, बिकट बनी के बीच में सुरैये बहुत झगुलाए। कैसे रो रही बंधु? अरे रो रही जनक दुलारी, हाय रो रही जनक दुलारी, भारी रही है दिल खाई। भगवान, आज मुझे जंगल में अकेला छोड़ दिया, धन्य है देवर तुम्हारे लिए मुझसे कुछ भी नहीं कहा। हाय रोए रही जनक दुलारी, अरे रोए रही जनक दुलारी, भारी रही है कबूलाई। अरे मातन का फट जा धरती भैया, हरी मातन का फट जा धरती, तोई में जाऊं ई समाई। अरे विधाता सड़क का दे पटिया, ए विधाता सड़क का दे पटिया, सवरो आवाज ढकी जाई। चारों ओर को देख रही है मुंह फाड़ फाड़ के, लेकिन कोई नजर नहीं मिलता है और न कोई दिखता है। अरे ना कोई अपनों दिखे, रोवे अकेली छाती फाड़ी। इधर में जो सीता जी का रुदन सुना है, लक्ष्मण जी चुपचाप खड़े हैं और रो रहे हैं, हुआ क्या है? अरे रुदन सुन मात सिया को, रोवे सुमित्रा राजकुमारे। अरे कहलकी बंधिया लखन की, ऐसी रचिए कर तारे। आज मेरे नौजवानों, माता जानकी को आज रोबत छोड़ दिया, लक्ष्मण जी पीछे को चले हैं, अयोध्यापुरी को रोते जा रहे हैं, और हुआ क्या है? ए पार करे श्री गंगा से रथ में भये जी असवार। अवधपुरी में भैया, हरे के आए के अवधपुरी में, थारे देखा तो पछार। आज मेरे नौजवानों, लक्ष्मण जी जो भवनों में पहुंचे हैं, एकदम से आंगन में जाके पछार खाइए, हुआ क्या है? अरे माता सब भज के आई, गोदी में लाए जी उठाए।
लक्ष्मण, हरे नेक बता दे हमें क्या। अरे कहाँ गई जनक दुलारी दियो रे नेक बताए। आज मेरे नौजवानों कहने लगी है माँ, हे बेटा लक्ष्मण कहाँ सीता को छोड़े आया बता दे, और क्यों तूने ऐसी पछाड़ खाई, क्यों रो रहा है, क्या चक्कर है। आज मेरे नौजवानों लक्ष्मण जी कहने लगे है माँ, भगवान ने माता जानकी के लिए और वनवास भेजवा दिया है, मैं वन में अकेली छोड़ के आ रहा हूँ, जो ही इतने वचन सुने हुआ क्या है। सीता को वनवास सुनो और कीनो दुख महान, राम राम कह राम तब सो तीनों तज दे प्राण। आज राम राम कह करके माता तीनों ने अपने प्राणों को छोड़ दिया है मेरे बंधुओं। इस प्रकार से तीनों माता भवन में आज खत्म हो जाती हैं। रामायण में तो बंधुओं बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको सूक्ष्म रूप में इधर बताए देता हूँ। इन तीनों माताओं का जाकर के दास संस्कार और कहाँ हुआ है, इधर में बंधुओं विमान आ गए हैं और विमान द्वारा उन्हें कुरुक्षेत्र में जाकर के उनका दास संस्कार किया गया है। और इधर में बंधु इधर आगे क्या हुआ है सुनिए बड़े गौर से। अरे रही सी अभारी हीरो धन मचाए, अरे रही सी अभारी हीरो धन मचाए, रही सी अभारी हीरो धन मचाए, गए वहां बाल मई कदी आए। आज माता सीता जी ने गंगा जी में अपने प्राणों को तजने को हुए, उसी समय वाल्मीकि जी आ जाते हैं और अपने हृदय से लगा लिया है। आज कहने लगे हे बेटी तुम कौन हो, क्या हुआ है। सियरोवती पड़ी लखाई है, मुन वाल्मीकि गए आई है, भारी बिकल देख सीता को छाती लो चुपकाई है। और क्या, अरे कौन से कुल में जन्म लियो है, अरे कौन से कुल ससुराल तेरी, कौन से कुल में जन्म लियो है, अरे कौन में कुल ससुराल तेरी। और क्या, निज पति को मोए, अरे निज पति को भेद बता दे धर्म सता बेटी मेरी। अरे निज पति को मोए भेद बता दे धर्म सता बेटी मेरी। और क्या, सिय रोए रोए रही बताई है, मुन वाल्मीकि गए आई है, भारी बिकल देख सीता को छाती लो चुपकाई है। सुनिए मुनवर, महकी सुता जनक ने पाली, अरे सूर वंश में ब्याई, महकी सुता जनक ने पाली, हाय सूर वंश में ब्याई, अरे लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न देवर पति मेरे हैं रघुराई। देवर पति मेरे हैं रघुराई। और क्या, मैं वनवास दई भिजवाई, मुन वाल्मीकि गए हैं आई, भारी बिकल देख सीता को छाती है लो चुपकाई। आज बंधु इस प्रकार से उन्होंने अपना पता बता दिया। ऋषि वाल्मीकि जी अपने कुटिया पे ले जाते हैं, सीता जी को संतोष हो जाता है।
और हुआ क्या है मेरे बंधुओं? अरे नित नित सुनकर नई कथा सीता के मन बेलावते कंदमूल फल फूल ये सीता को भोजन लावते। कुछ दिवस बीते कुटी पर सुंदर सवे समय जब आ गयो और सीता ने जायो पुत्र दो ऋषि के मन हर्षा आ गयो। आज मेरे नौजवानों कछु समय के बाद में माता सीता ने दो पुत्रों को जन्म दिया है और हुआ क्या है? अरे जंगल में मंगल छाए री सीता ने जायो लाला। जंगल में मंगल छायो री सीता ने जायो लाला। और क्या? अरे ऋषि मुनि कन्या है न्यारी। ऋषि मुनि कन्या है न्यारी। अरे गांव में मंगल खुश हुए भारी। और क्या? मुन कुटिया पे बजत बधायो री सीता ने जायो लाला। जंगल में मंगल छायो री। हाँ तो मेरे बंधुओं इधर मैं दो पुत्रों को जन्म दे करके और बहुत खुशी हो रही है। इधर में नारद मुनि चले हैं प्रसन्न होकर के। अरे नारद मुनि बजावत बीणा हाय मुनि आश्रम पे आए ही वाल्मीकि जी ने आदर करके आसन पे बैठाए हैं। आज बंधुओं वाल्मीकि जी पहुंच गए बीणा बजाते हुए और उसी खुशी में ऋषि वाल्मीकि जी क्या करते हैं? अरे दीने कुमर दिखाए देवर से भारी मन हरसाए ही। और क्या? अरे दीने कुमर दिखाए देवर से भारी मन हरसाए ही। अरे धरे दो लव कुछ नाम दो उनको। अरे धरे दो लव कुछ नाम दो उनको बीड़ा मधुर बजाए हैं। बीड़ा मधुर बजाए हैं जी बीड़ा मधुर बजाए हैं। धरे दो लव कुछ नाम दो उनको बीड़ा मधुर बजाए हैं।